हे एवरीवन, इस टाइम हो रहा है 3:30। तो गुड आफ्टरनून सबको। आज स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ काम था मेरे को, तो मैं वो काम कंप्लीट कर रहा था, तो सॉरी फॉर द डिले। बाकी मैं आज आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, जैसे कि मतलब मैं आपको ये बताने वाला, एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मेरे को ये व्लॉगिंग स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया, या फिर मेरे को व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मन क्यों करा, तो मैं आपको आज वो बताऊंगा। तो आप बने रहो और आगे मेरी स्टोरी देखना। तो एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था फोन पे, तब उसने कुछ ऐसा बोला। वैसे भाई एक बात बोलूं, तू ना बड़ा बकचोद है। वैसे भाई एक बात बोलूं तू ना बड़ा बकचोद है। एवरीवन, आज मैं अपना पहला व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो कल कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को लगा हाँ, मेरे को व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप आगे देखते रहे, समझ रहे हो। तो देखा आपने मेरी स्टोरी कैसा लगा आपको? देखो वैसे मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है यार व्लॉग बनाने में। मैंने औरों को, बहुत लोगों को देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, वो अच्छा खासा बनाते हैं, मतलब अच्छा खासा गया यार, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ कि हाँ मतलब ये चीज बहुत सही है, ये हम कर सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड हो। तो बस मैंने उन्हीं से थोड़ा सा सीखा है, उन्हीं से सब, मतलब बोलने का तरीका, आप कैमरे के आगे कैसे बोल सकते हो, तो ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है, मतलब उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। आप भी उनको जानते होंगे, अगर मैं उनका नाम ले दूं तो आप भी पहचान जाओगे कि अच्छा हाँ, इनका ब्लॉग तो हमने भी देखा है। तो बस यही चीज है, लेकिन देखो इस स्टोरी को असली में मत लेना, ये मजाक थी और कुछ नहीं था, ये जस्ट एक फन मोमेंट था वीडियो के बीच में, नथिंग एल्स। तो बाकी आप मेरे साथ बने रहो, मैं आगे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या हुआ। सो टाइम हो गया 6:30। गुड इवनिंग सबको। और मेरा 1 वीक से ज्यादा रूटीन बनना हुआ है कि मतलब मैं रोज इवनिंग में स्क्वाट्स करता हूँ, तो बस मेरा स्क्वाट्स करने का टाइम हो गया है। तो और शर्ट्स और जीन्स में नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है, तो मैं पहले चेंज करूंगा, देन फिर उसके बाद स्क्वाट्स करूंगा। तो बस 2 मिनट में है चेंज करके। सो स्क्वाट्स हो चुके हैं। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को ना फोन में थोड़ा सा काम है, तो मैं साथ साथ व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं व्लॉग भी फोन से बनाता हूँ, तो दोनों चीजें एक साथ इम्पॉसिबल है। तो बस मैं काम वापसी खत्म करके फटाफट जल्दी से आता हूँ। सो यार काम तो हो नहीं पाया, मतलब कुछ और सीन हो गया था तो मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन अब इस टाइम हो रहा है 9:30, तो अब तो मैं राइड पे जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट बहुत दिनों से जा रहा हूँ, रोज 9:30 समथिंग अराउंड पे चला जाता हूँ राइड के लिए, तो आज आप भी मेरे साथ चलो और देखो मैं किस पे जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ। सो लेट्स गो। सो इस पे राइड करता हूँ मैं, और आज भी इसी पे करेंगे। ये बाइसिकल मैंने, जहां तक मुझे याद है, मैंने 5th या 4th में परचेज की होगी, और जो वैसे तो ये स्ट्रीट रेसर है, बट आप जो इसकी इस टाइम सिचुएशन देख रहे हो, ये मैंने समथिंग अराउंड 7th या 8th स्टैंडर्ड में करवाई होगी, तब मतलब यार नया नया शौक होता था इस सब चीजों का, तो मैंने इसको ऐसे करवाया था। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, मैं 2 मिनट में वापसी आया। तो हम राइड के लिए बाहर आ चुके हैं, अब राइड के बीच में मैं मोहित के घर भी जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरे से कुछ काम है, तो मेरे को उससे मिलने जाना है, तो साथ साथ राइड भी कंटिन्यू रखेंगे फिलहाल। तो इस टाइम रोड पूरी खाली है यार, जैसा कि आप सब देख सकते हो,
बहुत ही कम लोग है, बहुत ही कम। मैं इसलिए रात को राइड के लिए निकलता हूँ क्योंकि यार लोग कम होते हैं, मतलब ट्रैफिक कम होता है, ट्रैफिक कम होता है मतलब शोर कम होता है। तो बस मेरा मेन रीजन रात को निकलने का यही है। और ये है कि यार मतलब पूरा दिन घर पे बैठे बैठे ना सर खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं रात को राइड के लिए निकल जाता हूँ कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और मतलब कोई सीन भी नहीं होता, क्योंकि हम बाइसिकल पे निकल रहे हैं, कोई स्कूटी वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए कोई सीन भी नहीं होता और आराम से अपना घूम के थोड़ी देर घर आ जाता हूँ, तो बहुत सही रहता है यार। आप भी ट्राई करना। तो कुछ ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा है। सो मैं मोहित के घर पहुंच चुका हूँ और मैंने उसको कॉल कर दिया है, वो आ रहा है। अब देखते हैं वो कितनी देर तक आएगा। आ गया है, ज्यादा देर नहीं लगाई है, आ गया है। अच्छा हेलो बोल दे। हेलो, किसको बोल रहे हैं भाई? ऐसे बोल दे भाई। हेलो, क्या कर रहा? लाइव जाएगा क्या? मोहित के घर से निकल चुके हैं हम, मतलब उसका काम हो गया है, मतलब उसको कुछ एडिट से रिलेटेड काम था तो वो हो गया है। अब मैं मोहित के घर से निकल चुका हूँ, अब मैं राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब है यार शोर है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मेरे को याद आई कि बीच में मैंने एक क्लिप डाली है जिसमें मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, तो आप मेरे को देख के दोनों हाथ छोड़ के मत चलाना, क्योंकि यार मैंने बचपन से प्रैक्टिस की हुई है, मैंने बचपन से ऐसे चलाई हुई है, इसलिए मेरे को आदत है। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं ऐसे करता था तो मैं बहुत बुरा गिरा हूँ यार, बहुत बार बहुत बुरा गिरा हूँ। मतलब हैंडल बस थोड़ा सा घूमता है और आप गिर जाते हो, तो प्लीज़ ऐसे मत करना मेरे को देख के, तो खास कर मत करना, खाम का मेरे को बदनाम कराओगे। तो जब मतलब लगे हाँ संभालने वाले हो गए हो कि साइकिल संभाल सकते हो किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में, तो ही करना, वरना मत करना, वैसे तो मत ही करना। हाँ, तो बाकी बस आज के लिए इतना ही। सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना किसी भी रीज़न से, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि देखो यार मैं बिगनर हूँ, मेरे को नहीं पता ना मेरे पास कोई इक्विपमेंट है, तो मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा ही एक्सप्लोर किया है, तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैंने आज तक ब्लॉग सिर्फ देखे हैं, मैं बनाने आप पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिस भी रीज़न के लिए आपको अच्छा लगे लाइक करो, डिसलाइक करो, आपकी मर्जी है, करना ज़रूर, ठीक है? ओके, देन सी यू, बाय, कल मिलते हैं।